नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में हथियारों से लैस युवकों की एक टोली कॉलेज में सरेआम हथियार लहराते हुए कथित तौर पर कॉलेज प्रधान के चुनाव को संपन्न करवाते हुए नजर आई। लाइव वीडियो में हथियारों से लैस कुछ युवक डंडे कांपे और बर्छे लेकर के तेज हथियारों के साथ लहराते हुए कॉलेज के अंदर मेन गेट और स्टेज पर पहुँचते हैं। वहाँ पर कथित कॉलेज प्रधान का चुनाव होना था, जिसको संपन्न करवाने के लिए एक युवक और युवती को विजयी घोषित करते हैं और फिर फूल मालाओं को पहनाते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन को जानकारी तक नहीं होती है। जब जानकारी होती है तब बहुत बड़ा हंगामा होता है। हंगामा होने पर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंचती है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर किसी तरह के यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। पुलिस आने के बाद हथियारों से लैस युवक मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचरण दास ने बताया कि कॉलेज में आज कुछ युवकों ने हथियार लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं और जमकर हंगामा भी किया। तेज हथियार लेकर के कॉलेज में आए, ये लोग हमारे कॉलेज के नहीं थे। किसी तरह का कोई भी चुनाव कॉलेज में आयोजित नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि ये हमारी जानकारी में स्पष्ट है कि सरकार विश्वविद्यालय महाविद्यालय की ओर से कोई चुनाव का आयोजन नहीं करवा रही है और ना ही भविष्य में कोई चुनाव करवाने की सूचना हमारे पास है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। क्या मामला था जी? आज महाविद्यालय के खेल परिसर ग्राउंड में कुछ बाहरी लोग घुस गए और काफ़ी संख्या में थे। हमने जैसे हमें मालूम लगा तो हमने तुरंत दुर्गा शक्ति को, SHO महोदय को प्रार्थना की, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। मौके पे जब वो महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे थे बाहरी व्यक्ति, तो पुलिस उस समय मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में पुलिस ने अपनी बड़ी मुस्तैदी से उस सिचुएशन को हैंडल किया और उनको महाविद्यालय से बाहर निकालने का काम किया। सर, आज कोई प्रोग्राम था अपने कॉलेज? इस तरह का कोई प्रोग्राम मेरी सूचना में नहीं था, ना ही कोई हमें पहले कोई जानकारी दी गई थी। ये तो एकदम अचंभित करने वाली घटना थी कि हम सभी सीनियर स्टाफ मेंबर वहाँ खड़े थे। जब हमने उन भारी अज्ञात लोगों को देखा तो उनमें एक भी स्टूडेंट महाविद्यालय का नहीं था, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। सर, सुनने में आया है कि आज कुछ प्रधान के इलेक्शन थे, ऐसा कुछ तभी दो थे। ये मुझे भी बताया गया कि, परंतु अभी तक भी हमें ये नहीं मालूम हो चुका कि किस प्रधान के इलेक्शन थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन थे। अभी तक भी ये ऐसी कोई सूचना ना है। और जहां तक सरकार का सवाल है, विश्वविद्यालय प्रशासन का सवाल है, महाविद्यालय प्रशासन का सवाल है, इस तरह का कोई भी इलेक्शन ना आज था, ना ही कोई आगे होने की कोई संभावना है। सुनने में आया सर कि देसी कट्टा वगैरह गोली भी चली है यहाँ पे कुछ। ये मैंने भी, मुझे भी पता लगा कि कोई विद्यार्थियों के पास जो भारी तत्व थे उनके पास कोई तेज धार हथियार थे, वो कॉलेज महाविद्यालय का कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की शंका मंशा थी, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मैं पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि दुर्गा शक्ति का भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमने इसकी तुरंत सूचना SHO महोदय को और सुप्रिटेंडेंट पुलिस को भी दे दी है कि ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कॉलेज के स्टूडेंट मिले तो सर आप क्या कार्रवाई करोगे? नियमानुसार हम, अगर कॉलेज का कोई विद्यार्थी, आपसे भी अनुरोध है, अगर आपको भी कोई पता लगता है तो हमें सूचित करें, हम जरूर तुरंत उनके विद्यार्थियों के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मनोर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद जिले की शान है। 1970 से ये फतेहाबाद के हर परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर परिवार की गरिमा का सवाल है। तो मनोर मेमोरियल कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों के अगेंस्ट भी तुरंत कार्रवाई करेगा। हम जल्द ही, कल सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर इस आपत्ति को लेकर पुलिस प्रशासन से दोबारा फिर SP महोदय से मिलने जाएंगे। क्या नाम और क्या पद है सर आपका? मैं डॉक्टर गुरचरण दास, यहाँ प्राचार्य की भूमिका में।